गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव स्टॉक केयर। दिस इज कुमारी रुचिका। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सचमुच गाय जो है वो 3 से 5% ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल्क देती है अगर हम उन्हें म्यूज़िक सुनाए। तो आज हम उस बात का पूरा सच जानेंगे कि क्या है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके लिए ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा ही मोटिवेशन का सोर्स है। सबसे पहला हम पूरे चीज़ को पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट हम लेकर के चलते हैं मॉडर्न फार्मर मैगजीन। ये एक मैगजीन है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में मेनली पब्लिश की जाती है। ओके, तो इस मैगजीन के तहत ये कहा गया है कि हमारी गाय अगर वो म्यूज़िक सुने तो वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। ओके, इसे एक एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं। आपका स्ट्रेस होता है, राइट? उसी तरह से जानवरों में भी स्ट्रेस होता है। तो जब वो स्ट्रेस होते हैं, हमारे पास स्ट्रेस को रिलीज़ करने का क्या तरीका होता है? हम सो जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, किसी पे चिल्ला देते हैं, कुछ ना कुछ इमोशंस के जरिए हम अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। बट उनके केस में ऐसा नहीं होता। जब वो स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो उनका बॉडी शो तो करता है, वो बेचैन होती है, बट वो हमारी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो कूद सकती है, फान सकती है, इरीटेट हो सकती है, बट वो आप पॉजिटिवली समझ नहीं पाएंगे उतना जितना वो रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, तो उनके पास बहुत ही कम ऑप्शंस रहते हैं अपने स्ट्रेस को दिखाने के लिए या रिलीज़ करने के लिए। तो म्यूज़िक जो है, हाँ, हम भी ये काम करते हैं। इवन जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हम अच्छी गाना सुनते हैं, कोई भी सूदिंग सा सॉन्ग जो हमें बहुत रिलैक्स फील कराते हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ। तो एक रिसर्च करा गया जिसमें ये पाया गया कि हमारी जो गाय है अगर वो कोई स्पेसिफिक टाइप का म्यूज़िक सुने तो वो काफ़ी रिलैक्स फील कर जाती है। बेसिकली एक स्टडी कंडक्ट किया गया था 2001 में, जिसमें क्या किया गया था कि गाय जो है काओ को आपको मतलब उसे मतलब म्यूज़िक सुनाया जा रहा था, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप का म्यूज़िक, जनरली क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है, नॉट लाइक रैप एंड जो आजकल आता है ना टिक 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 डीजे टाइप, वैसी म्यूज़िक नहीं, क्लासिकल म्यूज़िक उन्हें सुनाया गया था। ओके, तो जो क्लासिकल म्यूज़िक सुनने के बाद उनमें स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा, अब स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हार्मोन से, ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ऑक्सीटोसिन तो आपको पता ही होगा क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड है, तो बेसिकली मुझे लगता है पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपका सीधे मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है, राइट? इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब दूध निकालते हैं ना तो उसके बच्चे को उसके पास बांध देते हैं, क्योंकि माँ जब बच्चे को देखती है ना तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने की वजह से वो दूध बहुत ही आसानी से दे देती है और उसका पूरा दूध निकल जाता है। तो यही चीज़ होता है जब हम गाना सुनते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाती है और उसके बाद उनका ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है, और जिसकी वजह से गाय जो है वो जनरली 3 से 5% एक्स्ट्रा दूध देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वह 3 से 5% एक्स्ट्रा दूध दे रही है, लेकिन इस पूरे चीज़ को करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और फोकस तरीके से इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लाइक आप ऐसा एक्सपेक्ट कीजिएगा ना कि हाँ आज के दिन जो है 3% एक्स्ट्रा दूध देगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर के उसे ऑब्जर्व कीजिएगा, एकाध महीना, दो महीना, चार महीना, तब आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे, ओके एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे गाय के साथ। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये जो रिसर्च हुआ था, एक और रिसर्च हुआ था, ये रिसर्च टर्की में हुआ था, ओके, टर्की के फार्मर ने किया था ये रिसर्च। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया था और उसके बाद फिर वैसे ही किया था, उनको ऑब्जर्वेशन मोड पे डाल दिया। ऑब्जर्व करते थे वो डेली अपने गाय को कि उनका मिल्क यील्ड में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या कितना डिक्रीज़ हो रहा है। तो उन्होंने जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने भी यही चीज़ देखा कि जो क्लासिकल म्यूजिक्स अगर वो प्ले कर रहे हैं तो वो उनके गाय के लिए अच्छा, मतलब स्ट्रेस कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है उनकी गाय जो है वो 3 से 5% ज़्यादा दूध दे रही है। स्ट्रेस कम होता है तो उससे कई बार वो डिजीज़ से भी रिलेटेड होता है, नॉट लाइक समथिंग लाइक प्रोलैप्सिस या ऐसा कोई डिजीज़ नहीं, कोई मेजर डिजीज़ नहीं, जैसे ह्यूमन के केस में होता है। जैसे हमें स्ट्रेस होता है ना, तो जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो वो एक बीमारी का रूप लेने लगती है, उनके केस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, मतलब समहाउ ये साइकोलॉजिकल है, सॉरी मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट आई एम सॉरी इट्स टोटली इलॉजिकल, बट अगर आपको फेथ है तो ये चीज़ें वर्क करेंगी। हाँ, जब टर्की का एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना तो उसमें एक बात और आई थी कि काउस को जनरली रैप या फिर टेक्नो टाइप के सॉन्ग्स नहीं पसंद है, बेसिकली क्लासिकल सॉन्ग्स ही उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है अगर आप सचमुच ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यू शुड गो विद द क्लासिकल वन।
तो होप सो समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर जो गाय है उसके है वो म्यूज़िक से कैसे रिलेटेड है, राइट? वैसे सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप किसी चीज़ से या किसी जानवर से आप बात करते हो ना, तो वो भी उनका स्ट्रेस कम करने में हेल्प करती है. अगर आपके पास गाय है, अगर आप उससे बात करोगे ना, तो वो आई नो वो हमारे लैंग्वेज नहीं समझ सकते, बट वो हमारे इमोशंस को समझ सकते हैं. वी कैन कनेक्ट. ओके, तो जब हम अपने इमोशन शेयर करते हैं ना, तो दिस विल हेल्प देम टू बी रिलैक्स. ओके, कोई बात नहीं, काम हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, ऐसा टाइप कुछ फील होता है. सो थैंक यू. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वंस अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, और कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा रिगार्डिंग एनिमल हस्बेंड्री, रिगार्डिंग डेयरी सेक्टर, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करूँगी. थैंक यू. हाँ, एक और चीज़, मेरा खुद का फेसबुक का ग्रुप भी चलता है. ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप फैमिली का भी पार्ट बनते हैं. थैंक यू.